and Jain student. Welcome once again to your own channel, Sartar Rundupani. Yes, this channel is dedicated for ICSC students and we have only two batches. सिर्फ 9th क्लास जिसे हम राइजिंग स्टार कहते हैं और ये नाम भी आप लोगों ने दिया था, और 10th क्लास जो बोर्ड का ईयर है, करंट बोर्ड का ईयर है 22-23 सुपर स्टार्स। और मेरे बहुत सारे प्यारे सुपर स्टार्स का मैसेजेस आ रहा है और वे मेरे लाइव यस इस लाइव सेशंस को भी देख रहे हैं। और मैं इतना जानता हूं कि अगर आप हैं सीरियस तो ये याद रखिएगा, दिस चैनल इज एब्सोल्युटली फॉर यू पीपल ओनली, क्योंकि ये चैनल नो बकवास चैनल है। यहां पर कोई नॉनसेंस इधर उधर की बातें नहीं होती हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आईसीएसई स्टूडेंट्स को के लिए और को बनाया गया चैनल है। आपके ही प्यार से, आपके ही सहयोग से, आपके ही विश्वास से, आपके ही मोटिवेशन से और आपके ही सजेशन से ये चैनल मैंने बनाया था। और मैं ये यकीन दिलाता हूं कि अगर आपने यस वो फॉलो किया जो हम आपके लिए बना रहे हैं, या वो मैंने जो आपको कंसेप्ट क्लियर कर दिया उसको आप फॉलो कर रहे हैं, इसके बाद आप अपनी बुक भी मत खोलिए, अपनी नोटबुक भी मत खोलिए, अगर इसको फॉलो कर ले रहे हैं, आई एम प्रॉमिसिंग यू, यू नीड नॉट स्टडी एनीवेयर और एनीथिंग ऑल्सो एक्सेप्ट 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 द लेसन वी हैव नॉट टॉट। हां, और ऐसा कोई लेसन नहीं है और ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं जो हम आपको इस चैनल पर नहीं देने वाले हैं। आपके सारे सब्जेक्ट, हां आपके इवन इलेक्टिव सब्जेक्ट्स भी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे विद फुल पेपर्स एंड स्पेसिमेंस। तो चलिए, आज का चैप्टर है ज्योग्राफी का, सॉइल रिसोर्सेज। सर ये सॉइल रिसोर्सेज, सॉइल तो हम लोग जानते हैं क्या है। हाँ, जो आपने अपने घर में जो आपके गमले हैं, हाँ आपके यहां जो फ्लावर पॉट है आपने उसमें देखा होगा, फील्ड में देखा होगा सॉइल। तो ये सॉइल आई कहां से, किसने फिकेर दी वहां पे सॉइल, कहां से पहुंच गई वहां पे इतनी सारी सॉइल, इतनी ढेर सारी सॉइल। क्या आप जानते हैं कि आप और मैं नहीं होते आज धरती पे, मर गए होते सब लोग अगर सॉइल ना होती, क्या कहते हो? तो सॉइल कहां से आई, पहला क्वेश्चन, और सॉइल है क्या? तो सॉइल एक नेचुरल रिसोर्स है। हाँ, ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स, ह्यूमस, प्लांट एंड एनिमल मटेरियल का डिग्रेड होना, इन सब के कंबाइन होने से बनी है सॉइल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉइल के बारे में। तो सॉइल क्या है? सॉइल अपर मोस्ट लेयर ऑफ द लैंड सरफेस है, हमारी लैंड सरफेस का अपर मोस्ट टॉप मोस्ट लेयर है। कैसी लेयर है? एक थिन लेयर है, याद रखिएगा सॉइल बहुत डीप नहीं है, थिन लेयर है। और किससे बनी है? स्मॉल रॉक पार्टिकल से बनी है, ऑर्गेनिक मटेरियल से बनी है। यस, दो चीज से बनी है, रॉक पार्टिकल से बनी है और सड़े गले ऑर्गेनिक मटेरियल, मतलब प्लांट एंड एनिमल मैटर जब सड़ गल जाते हैं। आपने कभी सोचा है कि पेड़ की पत्तियां गिर जाती हैं, एनिमल्स जो सड़क पे मर जाते हैं, फॉरेस्ट में जो इतने सारे एनिमल्स रहते हैं वो कहां जाते हैं आखिर? अरे सब मिट्टी में मिल जाते हैं, मिट्टी बन जाते हैं। इंसान मिट्टी का पुतला है कहते हैं ना, और मिट्टी से आया था, मिट्टी भी बन जाएगा, तो गलत नहीं है, सही लिखा है, क्योंकि वो बन जाता है ह्यूमस। डेड एंड डिकेड प्लांट एंड एनिमल मैटर टुगेदर फॉर्म दी ह्यूमस, और ये सॉइल की उपजाऊ शक्ति बढ़ाते हैं, समझ गए? तो वो सॉइल बन जाते हैं, गलत नहीं कहा था। तो सॉइल के कॉन्स्टिट्यूएंट्स, तो सॉइल बनती किससे है? जिस रॉक के ब्रेक डाउन से बनी है उस रॉक का नाम है पेरेंट रॉक। फॉर एग्जाम्पल अगर आप रेड सॉइल के बारे में पूछेंगे तो रेड सॉइल बनी है मेटामॉर्फिक रॉक से, जी मेटामॉर्फिक रॉक से, तो उसका वो पेरेंट रॉक है जिस रॉक के ब्रेकडाउन होके बनी है, और ब्रेकडाउन और वियर एंड टेयर से बनती है। अब आता है टर्म सॉइल की उपजाऊ शक्ति, फर्टिलिटी। सॉइल की फर्टिलिटी, सॉइल के अंदर क्या करने की शक्ति है? प्लांट को सपोर्ट करने की शक्ति है, तो दैट इज कॉल्ड एज सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल फर्टाइल है, कैसे पता चलेगा सॉइल फर्टाइल है? सॉइल फर्टाइल तब मानेंगे अगर सॉइल में मॉइस्चर उपलब्ध हो, सॉइल फर्टाइल तब है अगर सॉइल में डेप्थ है, ताकि रूट्स उसके अंदर क्या करें, डीप जा सके, रूट्स ग्रो कर सके। सॉइल फर्टाइल है अगर सॉइल में न्यूट्रिएंट्स पाए जा रहे हैं। हाँ, सॉइल प्लांट्स को न्यूट्रिएंट देती है, खाना देती है, तभी तो प्लांट्स ग्रो कर पाते हैं। क्या है खाना? एनपीके। क्या है खाने का नाम? एनपीके, याद कर लोगे? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, के सिंबल है पोटेशियम का। और क्या मिलता है? और ऑर्गेनिक मैटर मिलता है। मैंने बताया था प्लांट एंड एनिमल डेड और डिके हो जाते हैं सॉइल में, बन जाते हैं ऑर्गेनिक मैटर, हम इनको कहते हैं ह्यूमस, ठीक है? तो इन सब के होने से सॉइल फर्टाइल हो जाती है, प्लांट्स का ग्रोथ इंप्रूव हो जाता है।
आइए टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में जानें, क्योंकि मैं इसको बुलेट सेशंस में कर रहा हूं। आपको रुकना, ठहरना, थमना, रुकना, झुकना एकदम नहीं है, सेशन मिस भी नहीं करना है, कंटिन्यूअस स्क्रीन में चलता रहेगा ये। चलिए अब आता है सॉइल के टाइप, सॉइल के क्लासिफिकेशंस। अगर लोकेशन के बेसिस पे सॉइल को मेजर करना चाहें तो सॉइल क्या करती है, दो टाइप की है। एक जो जहां सॉइल है वहीं पाई जा रही है, इसीलिए उसका नाम है रेसिडुअल सॉइल या सेडिमेंट्री सॉइल, जहां है वहीं पाई जा रही है। एक सॉइल ऐसी होती है जो दूर से ट्रेवल करके चली आती है। क्या सॉइल में पैर लगे हैं? हाँ, सॉइल में पैर लगे हैं। आइए समझाते हैं कैसे। पहली बात करते हैं वो सॉइल जिसके पैर नहीं लगे हैं, अर्थात जिसके पास लेग्स नहीं है, हम इन सॉइल को कहते हैं रेसिडुअल सॉइल। तो ज्यादातर सॉइल्स कैसी होती हैं? इन सीटू होती हैं। इन मतलब होता है सेम लोकेशन, जहां प्रोड्यूस हो रही हैं वहीं रहती हैं, जहां ये सॉइल बन रही है वहीं रहती है। हां, इसीलिए नाम है इन सीटू। दे आर फॉर्म्ड इन देयर ओरिजन, जहां उसका पेरेंट रॉक है वहीं ये पाई जाती है, पेरेंट रॉक के पास। जैसे ब्लैक सॉइल की बात करते हैं, ब्लैक सॉइल किससे बनी हुई है? ब्लैक सॉइल इग्नियस रॉक, हां इग्नियस रॉक नाम के रॉक के ब्रेकडाउन से बनी है, जहां वॉल्केनिक डेकन ट्रैप रीजन है हमारे इंडिया का। डेकन ट्रैप मालूम है रीजन ना, वहां पे पाई जाती है ये ब्लैक सॉइल, क्योंकि वहां पे इग्नियस रॉक है। जब ये ब्रेकडाउन हो जाते हैं तो काले रंग का, ये सॉइल काली है इसीलिए नाम है ब्लैक सॉइल, कलर के नाम से। सिमिलरली रेड सॉइल, रेड सॉइल मेटामॉर्फिक रॉक से बनी है। तो क्या पता चला? ये सॉइल जहां ये इस टाइप के रॉक होंगे उसी जगह ये पाई जाएगी, पेरेंट रॉक जहां पर है वहीं ब्रेकडाउन होगी और वहीं वो सॉइल प्रोड्यूस हो जाएगी। नाम हो जाएगा सेडिमेंट्री, या नाम दिया रेसिडुअल, या तीसरा नाम दिया इनसीटू। तीन नाम हो गए और टाइप एग्जांपल देख लिया, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लेटराइट सॉइल, डेजर्ट सॉइल। ज्यादातर सॉइल कौन सी है? रेसिडुअल टाइप की है। सेकेंड टाइप है ट्रांसपोर्टेड सॉइल, मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस चलने वाली सॉइल जिसके पैर लगे हुए हैं, तो इनको एक्सीटू कह सकते हो। हाँ, एक्सीटू मतलब प्लेस ऑफ लोकेशन से दूर चली जाती हैं। पहाड़, पहाड़, पहाड़ में हैं नदियां, और नदियां बहती हुई जब आती हैं तो रास्ते में कंकड़, पत्थर, पेड़ पौधे, जो रास्ते में मिलता है सबको अपने बहाव में, अपने स्पीड में लपेटते हुए आती हैं, और रास्ते में उनको पहाड़ों से गिरा गिरा के उस पत्थर को, पेड़ पौधों को, अर्थात जो भी उसके मार्ग में आता है, स्पेशली बड़े रॉक बोल्डर्स, उन सबको तोड़ते नदियों में पहुंचा देती है। और नदियों के किनारे जो सॉइल पाई जाती है वो है एलुवियल सॉइल। हाँ, अगर आप कभी गंगा नदी के किनारे गए हैं, जरूर गए होंगे, आपके आसपास कोई रिवर है क्या? कमेंट बॉक्स में अभी मुझे बताओ कि आप जिस शहर में रहते हो वहां कोई रिवर है क्या? और अगर रिवर है, जैसे मैं बनारस में रहता हूं, मेरे बनारस के पास, यस, हमारे बनारस में है गैंजेस, गंगा रिवर है, माँ गंगा है। तो गंगा नदी के किनारों पर, तट पर एलुवियल सॉइल है। अगर आपके भी शहर के आगे कोई नदी है, हाँ, अगर आप नासिक में रह रहे हैं तो आप बताइए, आपको अपने शहर का नाम बताना है कमेंट बॉक्स में, चाहे रिकॉर्डेड बता रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप लाइव देख रहे हैं तो भी जरूर बता दीजिएगा मुझे। हाँ, अभी बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखना है आपको? आपको अपना शहर लिखना है और आपके शहर से गुजरने वाली नदी का नाम लिखना है। मुझे बहुत खुशी होगी और मैं फिर से आपके हर एक रिप्लाई, हर एक कमेंट पर रिप्लाई जरूर दूंगा, सही गलत भी लिख सकता हूं। चलो, तो क्या मिल रही है आपको? एक ऐसी सॉइल मिल रही है जो ट्रेवल करके आ रही है। कौन लेके आ रहा है? मैंने कहा कोई ना कोई एजेंट ला रहा होगा, इसीलिए ट्रांसपोर्टेड सॉइल की पहचान होगी कि इसमें कोई ना कोई नेचुरल एजेंट है। अब वो रिवर है या विंड है, ये दोनों में से कोई भी हो सकता है। हमारे एग्जांपल में क्या आ गया? हमारे एग्जांपल में आ गया अलूवियल सॉइल। अलूवियल सॉइल जो कि एक ट्रांसपोर्टेड सॉइल है, एक्सीटू सॉइल है। आइए अब आपको एक अलूवियल सॉइल दिखा देते हैं। आपने जरूर देखा होगा, जरूर देखा होगा ये अलूवियल सॉइल। यहां रही स्क्रीन पे अलूवियल सॉइल, दिख रही है आपको अलूवियल सॉइल, बहुत कॉमन सॉइल है। आपके आसपास जब कहीं खेत होगा तो आप देखेंगे ये सॉइल सबसे कॉमन, अच्छा, वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली फाउंड सॉइल इन इंडिया है। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि ये जहां पर हमारे यहां जो रिवर का बेल्ट्स है, गंगा यमुना, ब्रह्मपुत्रा, यस, जो हमारी मेन रिवर्स का बेल्ट है, सब जगह ये सॉइल यही पाई जाती है। मतलब यूपी नॉर्दर्न एरिया में सारे जगह पाई जा रही है। आइए स्टार्ट करते हैं इसी से कि ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन हमने पढ़ा अलूवियल सॉइल के बारे में। तो अलूवियल सॉइल एक एक्सीटू सॉइल है,
एक ऐसी सॉइल है जो सेडिमेंट से बनती है. किससे बनती है? सेडिमेंट. सॉइल पार्टिकल को सेडिमेंट्स कहते हैं. रॉक जब ब्रेक हो जाते हैं तो सॉइल के छोटे छोटे कण बन जाते हैं, टुकड़े बन जाते हैं, उन्हें कहते हैं हम क्या? उन टुकड़ों को, उस छोटे छोटे टुकड़ों को, पार्टिकल्स को कहते हैं सेडिमेंट्स. सेडिमेंट्स कौन लाए? सेडिमेंट्स रिवर लाए. कहां से लाए सेडिमेंट्स? जब रिवर माउंटेनियस रीजन से फ्लो करके आती है तो उनमें बहुत स्पीड होती है, रास्ते में आने वाले रॉक बोल्डर्स को क्या करती है? वो क्रश करते हुए नीचे ले आती है. बस यही फाइन डिपॉजिट्स, ये फाइन पार्टिकल्स बन जाते हैं आपके अलूवियल सॉइल. ठीक है, नाम है अलूवियम. ध्यान दीजिएगा, लॉन्ग नाम है अलूवियम. अलूवियल सॉइल का एक और नाम भी रखा गया है, रिवराइन सॉइल. रिवराइन सॉइल इसलिए क्योंकि इट इज फाउंड मेनली इन द रिवर बेसिन्स. क्या मौजूद होता है इस सॉइल के अंदर? इस सॉइल के अंदर सैंड होता है, क्ले होता है, सिल्ट होता है, इसीलिए बन जाती है ये लोम. लोम अलूवियल सॉइल ही है. कैसे सर? क्योंकि इसमें इन सब का मिक्सचर है और ये वन ऑफ द वेरी गुड एंड फर्टाइल सॉइल्स है, इसीलिए ऑलमोस्ट सारे क्रॉप्स इसमें ग्रो किए जा सकते हैं. ध्यान दीजिएगा, हमारे देश में तीन बड़ी मेजर रिवर सिस्टम्स है, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र, इसीलिए इन सारे रिवर के वैलीज में पाई जाती हैं क्या? अलूवियल सॉइल. समझ गया ना? हमारे देश का 40%, इंडिया का 40% सॉइल अलूवियल सॉइल है. क्या ये सॉइल साउथ की नदियों में भी है? जवाब है यस. साउथ में जो रिवर्स हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, क्या वहां भी ये सॉइल्स हैं? तो जहां पे मैंने कहा माउंटेन रीजन से सॉइल फ्लो करके रिवर्स मूव करके आ रही है, वहां सब जगह होगा ये सॉइल होगी. चलिए आगे बढ़ जाते हैं. अलूवियल सॉइल के दो टाइप है, खद्दड़ और बंगड़. जी, खद्दड़ बंगड़ कौन है? सॉइल के ही नाम है, अलूवियल सॉइल के नाम है. जो अलूवियल सॉइल पुरानी हो गई है, कई साल पहले जब नदियां अपने साथ बहा के लाई थी, रिवर्स अपने साथ पहाड़ों से जब उस सॉइल पार्टिकल को लाई थी, तो वो अलूवियम, ओल्ड अलूवियम बन गए हैं. ये थोड़े कम फर्टाइल होते हैं, ओल्ड अलूवियम. समझ गए? नाम दूसरा क्या दिया मैंने इसका? बंगड़. ठीक है, बंगड़. क्या क्यों इनका नाम बंगड़ है? क्योंकि इनमें क्या है, इनमें कंकड़ या लाइम नोड्यूल्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे ईटे, कंकड़ पाए जाते हैं और क्ले डिपोजिशन ज्यादा होता है, तो ज्यादा अच्छी नहीं है बंगड़ इसका मतलब. दूसरी होती है जो इस साल करंट ईयर जब फ्लड आया, इस साल जहां जहां फ्लड आया, नदियां अपने साथ बहुत सारे अलूवियम लाई, सॉइल लाई, वो जो सॉइल डिपॉजिट थी उसका नाम था खद्दड़. खद्दड़ में क्या होता है, ये लाइट इन कलर होती है और ये नए डिपॉजिट्स होते हैं, ज्यादा फर्टाइल होते हैं. कौन ज्यादा फर्टाइल बनाया मैंने? खद्दड़ इज मोर फर्टाइल देन बंगड़. समझ गए? खद्दड़ में क्या होता है, नए लेयर्स चढ़ जाते हैं, बंगड़ के ऊपर ही नए पे नए लेयर चढ़ते जाते हैं, और जो ऊपर वाला लेयर होता है, जो करंट ईयर के फ्लडिंग की वजह से आया है, रिवर के फ्लडिंग की वजह से आया है, वो ज्यादा फर्टाइल है. क्लियर? और ऐसे सॉइल्स में ज्यादा आपको क्या फर्टिलाइजर डालने की जरूरत नहीं है, बस मैन्योर कर दो और इसीलिए क्या हो जाएगा, ये सॉइल काम आ जाएगी. तो अगर इंडिया को, मैंने बताया ना कि इंडिया को अगर सॉइल में एलुवियम नहीं होता तो मुझे लगता है इंडिया में क्रॉप्स भी इतने अच्छे ग्रो नहीं करते, और इतनी वाइड वैरायटी ऑफ क्रॉप्स इंडिया में ग्रो करते हैं आप तो जानते ही हैं. नेक्स्ट है, कौन कौन से टाइप ऑफ अलूवियम है, आइए जानते हैं. जो अलूवियल सॉइल इनलैंड अर्थात विद इन दी क्या कर रही है, सीज पाई जा रही है, मतलब लैंड एरिया में पाई जा रही है, सीज के बीच में, तो जो प्लेन्स में पाई जा रही है, ठीक है, नाम है इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्रा. तो जो सॉइल इन तीनों मेन नदियों के पास पाई जा रही है, मतलब मैंने एग्जाम्पल दिया था बनारस का, वाराणसी का, तो मेरे शहर के आसपास कौन सी सॉइल है, अलूवियम है. अलूवियल सॉइल में कौन सी टाइप है, अगर मुझसे पूछोगे सब टाइप, तो इनलैंड अलूवियम है क्योंकि नदियों के बीच में है. और क्या खास बात है, डेल्टाइक अलूवियम. ये कैसी सॉइल होती है? ये भी अलूवियल सॉइल है पर ये डेल्टा रीजन में पाई जाती है. ये डेल्टा रीजन क्या होता है, तो व्हेन रिवर्स एंटर्स द ओशन है ना, तो वो फॉर्म करती है सिल्ट के ऐसे आइलैंड्स. इस रीजन को कहते हैं हम लोग डेल्टा रीजन. रिवर्स आ रही होती हैं पहाड़ से, व्हेन दे ट्राई टू रीच अ सी, जब वो सी में पहुंचने वाली होती हैं, दे ब्रेक डाउन इनटू नैरो चैनल्स एंड डिपॉजिट सिल्ट इन आइलैंड फॉर्म. इस तरीके से इस रीजन को कहते हैं डेल्टा. तो यहां पे जो अलूवियल सॉइल पाई जाएगी वो डेल्टाइक अलूवियम होगी. इसका मतलब हो गया गंगा, ब्रह्मपुत्रा, महानदी, जहां जहां डेल्टा, याद रखिएगा सी के रीच करने पर डेल्टा फॉर्म करती है. नेक्स्ट आता है कोस्टल अलूवियम. ये सॉइल कोस्ट में पाई जाती है जहां पर क्या हो, टाइड्स आती हो. टाइड इज पीरियोडिक राइज एंड फॉल इन द लेवल ऑफ द ओशन वाटर. और इसकी वजह से क्या होगा, जब ओशन का वाटर तेजी से राइज करके आएगा तो साथ में क्या करेगा, सॉइल लेता आएगा. समझ गया ना? कहां पाया जाएगा ये गुजरात रीजन में पाया जाएगा या कोस्टल रीजन में पाया जाएगा.
हमारे साउथ के कोस्टल रीजन में पाया जाएगा, ये कोस्टल एल्यूवियम, नाम ही है कोस्ट, समुद्र का किनारा। आइए कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्यूवियल सॉइल जान लें, कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक जिसके एल्यूवियल सॉइल को पहचानना आपके लिए इजी हो जाए। आपने डायग्राम तो देख लिया था ना कैसा था ना। तो एल्यूवियल सॉइल बनती कैसे, रिवर के मैंने कहा डिपोजिशन से बनती है। रिवर्स अपने साथ क्या करती हैं, माउंटेन से जो लोड्स लाती हैं उसको डिपॉजिट कर देती हैं। ये सॉइल कैसी होती है, थोड़ी कोर्स सॉइल होती है। ये सॉइल के पार्टिकल्स लार्ज होते हैं और नॉन यूनिफॉर्म होते हैं। ज्यादातर मैंने कहा ये सॉइल ड्राई होती है। कैसी होती है ये, ड्राई पोरस सैंडी होती है। कैसी, ड्राई पोरस सैंडी, थोड़ी सी येलोइश कलर में होती है। अगर इन सॉइल में मैंने कहा क्ले मिल जाए, ऑर्गेनिक मैटर मिल जाए, तो उनकी उपजाऊ शक्ति बढ़ जाती है। विद द एडिशन ऑफ क्ले, लोम कैसे बनती है याद है ना, क्ले सिल्ट और ह्यूमस बन जाएगा, लोम बन जाएगा। ज्यादातर सॉइल्स कैसी होती हैं, फर्टाइल होती हैं, रिच इन मिनरल्स होती हैं। इन सॉइल्स में, एलुवियल सॉइल में क्या पाया जाता है, पोटैश और लाइम दोनों ही अच्छी मात्रा में पाया जाता है। बट एक कमी है, एक बुराई है इस सॉइल की, इसमें नाइट्रोजन कम पाया जाता है, ह्यूमस नहीं पाया जाता है। इसीलिए इसमें क्या करना पड़ता है, हम लोग खाद डालते हैं। खाद मतलब होता है गाय के गोबर को ड्राई करके कंपोस्ट बनाते हैं ना, वो डालते हैं इसमें सॉइल की फर्टिलिटी को इंप्रूव करने के लिए। और क्या खास बात है, इट इज सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ लार्ज वैरायटी ऑफ रबी, मैंने बता ही दिया सबसे कॉमन सॉइल है, इसीलिए सबसे ज्यादा क्रॉप्स ग्रो करने वाली सॉइल यही है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, कौन कौन से क्रॉप्स ग्रो करते हैं, तो अभी डिस्कस किया, सारे मेजर क्रॉप्स का नाम ले लो, व्हीट ले लो, राइस ले लो, शुगर केन ले लो, कॉटन ले लो, टोबैको ले लो, ग्राम ले लो, बचा क्या भाई, सब तो हो ही गया। सारे मेन क्रॉप्स के तो मैंने नाम ले लिए, व्हीट, राइस, शुगर केन, कॉटन, सब तो नाम ले लिया, तो मैंने पहले ही बोला था कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट सॉइल है। नेक्स्ट टाइप, काली सॉइल, ब्लैक सॉइल, कई बार इसको रेगुर सॉइल भी बोल देते हैं। हाँ हाँ हाँ, सही सुना, आर ई जी यू आर, ये जी है, रेगुर सॉइल, ब्लैक सॉइल, कई बार इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोल दिया गया है। तो कैसे बनती है, मैंने बताया ये सॉइल डार्क या ब्लैक कलर की होती है, और ये सॉइल भी एक रेसिडुअल सॉइल है। रेसिडुअल सॉइल का मतलब होता है इन सिटू सॉइल है, ये वो सॉइल है जहां पे प्रोड्यूस हो रही वहीं पे रह जाएगी, मूव करके आगे नहीं बढ़ेगी, ठीक है। और किससे बनती है, डेन्यूडेशन या ब्रेक डाउन ऑफ वॉल्केनिक रॉक। वॉल्केनिक रॉक मतलब इग्नियस रॉक, जहां पर क्या है, इग्नियस रॉक है वो ब्रेक डाउन हो जा रहा है। सर ब्रेक डाउन कैसे होता है, अरे सूरज की धूप पड़ रही है, रेन वाटर पड़ रहा है, तो ऑल द टाइम क्या हो रहा है, वो टीयर एंड वियर हो रहे हैं, एक्सपेंड हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, और उसके ब्रेकडाउन से बनती है ये ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल को कई और नाम से जान सकते हैं, लावा सॉइल। तो कहां पाया जाता है, मैंने कहा पूरा डेक्कन ट्रैप रीजन हमारे देश का, डेक्कन ट्रैप साउथ इंडिया का पेनिनसुलर रीजन, पूरा ही रीजन क्या है इसी से बना हुआ है, स्पेसिफिकली महाराष्ट्र और गुजरात रीजन, क्योंकि यहां पर क्या है, वॉल्केनिक रॉक पाए जाते हैं। रेगुलर सॉइल की, ब्लैक सॉइल की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है ये बहुत फाइन सॉइल होती है। कभी आपने चिकनी मिट्टी, चिकनी मिट्टी नाम सुना है, हाँ नहीं सुना है तो मैं इसका नाम बता रहा हूँ, फाइन टेक्सचर, बहुत बहुत पतली पट्टी होती है इसकी, और क्लेई नेचर होती है। इसका मतलब है अगर आपने इस मिट्टी में पानी मिला दिया और थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया तो वो हार्ड हो जाएगी। आपके घर में घड़ा है, मटका है आपके घर में, मटका मटका घड़ा या मटका आप पीते हैं ना, हाँ घड़ा मटका इसी से बना होता है, क्ले से बना होता है। इस सॉइल की खास बात क्या होती है ना, जो पुड़वा, पुड़वा यू पीपल नो, हाँ हमारे यहाँ पुड़वे में बहुत लोग चाय पीते हैं, वो रेड रंग का जो होता है पुड़वा, है ना, तो पुड़वा घड़ा है ना, वो सब किससे बने, क्ले आपकी सॉइल से बने। ये सॉइल की खास बात क्या होती है, बहुत स्टिकी सॉइल होती है, बहुत फाइन होती है, स्टिकी होती है, और इतनी स्टिकी होती है कि अगर आप थोड़ी देर पानी डालने के बाद छोड़ देंगे तो वो हार्ड हो जाएगी, हाँ कड़क हो जाएगी एकदम सॉइल, इसीलिए वो मैंने कहा ना अलग अलग शेप्स दे देते हैं। तो ये बहुत फाइन टेक्सचर होती है, बहुत महीन होती है, क्लेई सॉइल होती है, लाइम, आयरन, मैग्नीशियम इसमें पाया जाता है, अगेन क्या नहीं पाया जाता है, फॉस्फोरस नहीं पाया जाता है, नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है। ब्लैक कलर क्यों है, मैंने बता दिया ब्लैक कलर इसलिए क्योंकि ये इग्नियस रॉक या डेन्यूडेशन ऑफ लावा रॉक से बनी है, लावा रॉक के वेदरिंग से, ब्रेकडाउन से बनी है। इसमें क्ले का परसेंटेज बहुत ज्यादा है, और क्ले की वजह से क्या हो रहा है, ये पानी को नीचे नहीं जाने देती है, पानी क्या होता है रिटेन कर लेती है, क्योंकि ये स्टिकी सॉइल है, क्ले बहुत स्टिकी मटेरियल होता है, चिपक जाता है और नतीजा क्या होता है, पानी नीचे जाने जाता है। जबकि सैंडी सॉइल ठीक उसकी अपोजिट होती है, क्ले का अपोजिट होती है, उसके पार्टिकल्स थोड़े मोटे मोटे होते हैं सैंड के, ये सैंडी सॉइल के पार्टिकल्स थिक होते हैं, चौड़े होते हैं, तो नतीजा क्या होता है, पानी इसमें पोर करके नीचे चला जाता है, तो सैंडी सॉइल पानी को रोक नहीं पाती है। हाँ सैंड देखा है कि नहीं, गंगा बालू देखी है कि नहीं आपने, करेक्ट, वो पानी डालोगे, जितना पानी डालोगे उतना पानी नीचे चला जाएगा, रुकेगा ही नहीं ऊपर, क्योंकि उसमें पोर्स बहुत बड़े होते हैं। और जबकि क्ले सॉइल क्या होता है, बहुत स्टिकी होती है,
आपस में चिपक जाते हैं पार्टिकल्स, नतीजा क्या होता है, पानी नीचे नहीं जा पाता है। तो वाटर रिटेंशन इसके अंदर बहुत इजीली अवेलेबल होता है। और क्या खास बात है, ये सॉइल बहुत फर्टाइल होती है, मैंने बता दिया। ये कॉटन के लिए सुपर सॉइल है, ठीक सुन रहे हैं, कॉटन के लिए सुपर सॉइल है, इसीलिए इसको कई बार मैंने कहा ब्लैक कॉटन सॉइल भी है। ज्वार, वीट, शुगर केन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साउथ के लोग क्या कर रहे हैं आजकल, शुगर केन इसी सॉइल पे उगा रहे हैं। एंड नेक्स्ट, इन एनी सीजन इट इज मॉइस्चर इज रिटेन, क्योंकि पानी की इसको कमी नहीं होती है। पानी इसके अंदर क्या होता है, डीप सीट नहीं करता है, डीप सीट मतलब इसकी गहराई पे नहीं जाता है, यही सबसे बड़ी एबिलिटी है। द मॉइस्चर रिटेंटिवनेस ऑफ द सॉइल मेक इट सुटेबल फॉर ड्राई फार्मिंग। इसका मतलब है महाराष्ट्र और गुजरात, दिमाग बैठा लीजिए, मैप में भी मैं दिखाऊंगा, महाराष्ट्र और गुजरात आपको क्या मिल जाएगा, इज रीजन फॉर दी ब्लैक सॉइल। और जहां मैंने कहा था गंगा मिलेगी आपको, ब्रह्मपुत्रा मिलेगी, इंडस मिलेगी, वो सब रीजन आपके लिए क्या बन जाएगा, अलुवियल का। नेक्स्ट आता है थर्ड टाइप ऑफ सॉइल है रेड सॉइल। रेड लाल सॉइल, अरे सर लाल रंग की कैसे हो गई, आइए। तो रेड सॉइल इसलिए रेड है क्योंकि ये क्रिस्टलाइन रॉक से बनी है, ठीक सुन रहे हैं, डेन्यूडेशन ऑफ क्रिस्टलाइन रॉक्स, वेदरिंग ऑफ क्रिस्टलाइन रॉक्स, कौन से रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक कैसे होते हैं, जो पहले दो कैटेगरी ऑफ रॉक होते हैं, कौन से, इग्नियस रॉक जो होते हैं जब ये ब्रेक डाउन होते हैं, और सेडिमेंट्री रॉक जब ब्रेक डाउन होते हैं, दो कैटेगरी मैंने बोला, फिर से नाम ले रहा हूं, इग्नियस रॉक्स प्लस सेडिमेंट्री रॉक, दीज टू रॉक्स व्हेन दे चेंज ओवर मिलियंस ऑफ ईयर, इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक चेंज होके बन जाते हैं मेटामॉर्फिक। द वर्ड मेटा मीन्स सिंपली चेंज। तो ये रॉक किससे बने हैं, इन दोनों को चेंज होके बने हैं, समझ गए ना। और ये जब मेटामॉर्फिक रॉक जब ब्रेक डाउन होते हैं तो फॉर्म करते हैं रेड सॉइल, ठीक है, रेड सॉइल ब्रेक डाउन ऑफ द मेटामॉर्फिक रॉक से बनते हैं। अच्छा, रेड सॉइल का रेड कलर कहां से आया, व्हाई दिस रेड इन कलर, तो कलर हमेशा रेड नहीं रहता है, कभी कभी ब्राउनिश भी होता है, ग्रे भी होता है, येल्लो भी होता है, देखा नहीं है, नहीं देखा है। मैं आपको बस इतना कहूंगा कि रेड कलर का सॉइल आपने कहीं, आप जब पहाड़ी इलाके में जाते होंगे वहां जरूर देखा होगा, कभी आप कोई ऐसे पहाड़ी इलाकों में जाएंगे तो यू विल कॉमनली फाउंड दिस। ये क्या खास बात है, मैंने कहा ना कि इस सॉइल की खास रेड कलर इसका खास बात है, और ये रेड कलर आ रहा है बिकॉज ऑफ दी आयरन ऑक्साइड। किससे आ रहा है, प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड, आयरन का कलर रेड होता है, खून का रंग आपका लाल है बिकॉज ऑफ दी प्रेजेंस ऑफ दी आयरन। आपके ब्लड में आयरन है, पता है कि नहीं आपको, तो अब नहीं भूलोगे, लाल खून, लाल आयरन, ठीक है, आयरन। और क्या खास बात है, कभी कभी इसका कलर मैंने कहा ना आपको ब्राउन और ग्रे भी मिल जाएगा, और येल्लो भी हो जाती है सॉइल। अब क्वेश्चन आता सर ये रेड सॉइल येल्लो कैसे बन जाती है, तो जब ये आयरन हाइड्रेटेड हो जाता है, क्योंकि आयरन क्या करता है ना, रस्ट करने लगता है, इट अब्सॉर्ब्स मॉइस्चर करने लगता है, आयरन जो सॉइल में मौजूद आयरन है वो रस्ट करने लगता है, बन जाता है हाइड्रेटेड, मॉइस्चर अब्सॉर्ब कर लेता है और येल्लो कलर आ जाता है। गॉट इट, रेड सॉइल येल्लो भी बन जाती है। कहां पाई जाएगी आपको ज्यादा रीजन कहां मिलेगा, तमिलनाडु में मिलेगा, बुंदेलखंड इलाके में मिलेगा, और राजमहल हिल्स में मिलेगा। दो तीन जगह मैंने कॉमन बता दी हैं, तमिलनाडु, बुंदेलखंड, राजमहल हिल्स। क्या खास बात है, आइए सॉइल की कुछ खास बात बताएं। रेड सॉइल गॉट इट्स नेम बिकॉज ऑफ रेड कलर, ऑब्वियस बात है, सारी सॉइल नाम से ही है। अगेन ये सॉइल बहुत पोरस है, इसका मतलब है इसके सॉइल के पार्टिकल्स बहुत बड़े बड़े होते हैं। ये सैंडी टाइप की सॉइल है, कौन सी, सैंडी टाइप की सॉइल है। इसे पानी डालोगे सारा पानी कहां चला जाएगा, डीप विद इन चला जाएगा। ज्यादा क्या मौजूद है इसके अंदर, आयरन ऑक्साइड जो उसको रेड रंग दे रहा है। ये सॉइल बहुत गहरी नहीं होती है, शैलो सॉइल होती है। खास बात क्या है इसके अंदर कि ये सॉइल बहुत लूज और एरिएटेड होती है, इसका मतलब है रूट्स को डीप ग्रो करने का बहुत अच्छा मौका मिलता है। प्लांट्स की रूट्स बहुत डीप चले जाती हैं क्योंकि सॉइल पार्टिकल्स बहुत लूज है। इसके अंदर क्या नहीं है, क्या कमी है सॉइल की, तो सबसे बड़ी कमी है सॉइल के अंदर, अगेन नाइट्रोजन नहीं है, फॉस्फोरस नहीं है, पोटेशियम नहीं है, NPK तीनों नहीं है। इस सॉइल में तीनों मेन चीज जो सॉइल की फर्टिलिटी चाहिए होता है, याद है सॉइल फर्टिलिटी में NPK चाहिए होता था, ये तीनों ही नहीं है, और इवन ऑर्गेनिक मैटर भी नहीं है, मतलब ह्यूमस भी नहीं है। लो, तो इसका मतलब है क्या करो, इस सॉइल को रेड सॉइल में, जो कि बहुत अच्छी सॉइल है, मैं कह रहा हूं अच्छी सॉइल है, पर अच्छी तब बनेगी जब आप इसमें क्या करोगे, NPK फर्टिलाइजर ऐड कर दोगे। हमारे देश में फर्टिलाइजर उपलब्ध है, बहुत फर्टिलाइजर ऐड कर दोगे, और थोड़ा सा काउडंग ऐड कर दोगे, जिसको हम कहते हैं ह्यूमस ऐड कर दोगे, है ना, कंपोस्ट ऐड कर दोगे, सॉइल बन जाएगी जबरदस्त। बाकी कोई कमी नहीं है इसके अंदर, जो कमी था रेड सॉइल में मैंने तुम्हें ऐड करा दिया। NPK की कमी है,
एनपीके कम पाया जाता है इसके अंदर, कर दो ऐड, और ह्यूमस नहीं पाया जाता है, ऑर्गेनिक मटर नहीं पाया जाता है, मैंने कहा गाय का गोबर ऐड कर दो, सॉइल बन जाएगी फर्टाइल। याद रखिएगा, इट इज नॉट फर्टाइल बट रिस्पॉन्ड टू फर्टिलाइजर्स, इरीगेशन दे दोगे सॉइल को ग्रो करने में काम आएगी। और मैंने कहा दिया ये भी बहुत अच्छी सॉइल तब बनेगी जब आप इसमें फर्टिलाइजर और काउडंग डालेंगे। देखिए क्या लिखा है क्लियरली, दिस सॉइल इज सुटेबल फॉर कल्टिवेटिंग ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ क्रॉप्स, हर टाइप के क्रॉप्स इसमें भी उगाए जा सकते हैं, ऑल टाइप ऑफ क्रॉप्स उगाए जा सकते हैं, वेजिटेबल्स के लिए तो बेस्ट माना जाता है। हाँ, आपको पता होना चाहिए सब्जियां रेड सॉइल में उगती हैं, और इवन राइस, रागी, टोबैको भी उगाया जा सकता है, ग्राउंडनट और पोटैटो, आप जो आलू खा रहे हैं, रोज आलू खा रहे हैं हम लोग, ये सब रेड सॉइल की देन है। चलो अगली सॉइल, चौथी और इंपॉर्टेंट सॉइल, लेटराइट सॉइल। नाम है लेटराइट सॉइल, सर ये क्या होती है? हाँ, लेटराइट जो है वो रेड वर्ड से बना हुआ है, अर्थात लेटिव, नहीं, लेटराइट क्या है, वो सॉइल जहां पे बहुत हैवी रेन पड़ती है और जहां बहुत धूप पड़ती है, दो चीज, जहां वेरी हैवी रेनफॉल पड़ती है और जहां बहुत सनी होता है, बहुत क्या होता है, ब्राइट सनलाइट होती है। हैवी रेन से क्या होगा, जहां पे जिस जगह, जिस रीजन में बहुत हैवी रेनफॉल होगी, वहां पे सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं, वो सॉइल के जो मिनरल्स हैं ऊपर जो मौजूद है, वो पानी एक अच्छा सॉल्वेंट होता है, उसको डिजोल्व करके कहां चले जाते हैं, अंदर चले जाते हैं। इसका मतलब है सॉइल में मौजूद सिलिका, ध्यान सुनिएगा, सॉइल में मौजूद सिलिका और सॉल्युबल पार्टिकल्स, वाटर सॉल्युबल पार्टिकल्स सॉइल से नीचे चले जाते हैं। जब सॉइल से नीचे चले जाएंगे तो सॉइल में ऊपर क्या बचेगा, अलूवियम बचेगा, अलूवियम है ना। अब नतीजा क्या हो जाएगा, ये सॉइल जो है बहुत फर्टाइल नहीं रहेगी, क्योंकि लीचिंग नाम के प्रोसेस से क्या हो गया, इसकी फर्टिलिटी खत्म हो गई है। कहां हो रहा है ये सॉइल, मैंने बताया उन रीजन पे हो रही जहां पे रेनफॉल वेरी हैवी हो रही है, मतलब दोज रीजन विच हैव रेनफॉल मोर देन 200 सेंटीमीटर, वहां पे लीचिंग होना ही होना है। तो आइए, लीचिंग, तो मैंने कहा वेदरिंग ऑफ द रॉक्स से बनती है ये सॉइल, पहली चीज। क्या हो रहा है, जहां पर वेरी हाई रेनफॉल हो रहा है और वेरी हाई टेम्परेचर, दोनों ज्यादा है, टेम्परेचर भी ज्यादा है, बारिश भी ज्यादा है और धूप भी बहुत ज्यादा है, समझ गए ना, इसीलिए ये सॉइल बनती है। कैसे बनती है, ये भी रेसिडुअल सॉइल है, लीचिंग ऑफ द ट्रॉपिकल रेन्स की बनती है। और लीचिंग मैंने बता दिया, लीचिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें न्यूट्रिएंट्स ऑफ द सॉइल गेट्स परकुलेटेड डाउन, न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं सॉइल वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं और वो डाउन चले जाते हैं बिकॉज ऑफ हैवी रेन्स। बचता क्या है, मैंने कहा सॉइल की फर्टिलिटी जा चुकी होती है, तो हैवी रेन की वजह से लाइम सिलिका उसका चला जाता है, लाइम और सिलिका पार्टिकल्स सॉइल से चले जाते हैं और बचता है एल्यूमिनियम पार्टिकल्स, ठीक है। और सॉइल में क्योंकि ह्यूमस कंटेंट निकल जाता है, नतीजा क्या होता है, ये सॉइल बहुत फर्टाइल नहीं होती है, ठीक है। ये भी दो टाइप की हो सकती है, एक पहाड़ों में पाई जाने वाली, हिली रीजन से पाई जाने वाली अपलैंड लेटराइट सॉइल, क्योंकि बहुत सारे हिली रीजन से जहां पे हैवी रेनफॉल होती है, और दूसरा लोलैंड लेटराइट सॉइल, ठीक है। कहां पाई जाएगी, कॉमन प्लेसेस देख लीजिए, कॉमन प्लेसेस हैं वेस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट, ध्यान सुनिएगा, वेस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट में पाई जाएगी, क्योंकि वहां पर रेनफॉल बहुत 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 हैवी है, मोर देन 200 सेंटीमीटर रेनफॉल है, और या तो ईस्टर्न घाट। आइए लेटराइट सॉइल के बारे में कुछ करेक्टरिस्टिक्स जान लें। लेटराइट सॉइल का सबसे बड़ा करेक्टरिस्टिक्स है, ये सॉइल कोर्स होती है, रफ होती है, सॉफ्ट होती है और फ्राइबल होती है, पार्टिकल्स को सेपरेट किया जा सकता है, रेड कलर में भी होती है, अगेन रीजन सेम है, रीजन इसलिए है रेड, ये भी रेड हो जाती है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड, और लीचिंग करती है ये सॉइल, लीचिंग से फॉर्म होती है, याद रखिएगा, लीचिंग से इसकी फर्टिलिटी खराब हो रही है, अच्छाई नहीं हो रही है इसके अंदर, लीचिंग की वजह से ही खराब हो रही है। ये एक पोरस सॉइल है, क्योंकि मैंने बता दिया सॉइल पार्टिकल्स क्या है, बहुत थिक है, सिलिका रिमूव हो जाता है केमिकल एक्शन से, कई बार मैंने कहा सिलिका के रिमूवल होने से, रिमूवल ऑफ सिलिका की वजह से इसका नाम हो जाता है डीसिलिकेशन, क्या, डी मतलब नहीं, सिलिका रिमूव हो गया, इसलिए डीसिलिकेशन भी कहते हैं इस प्रोसेस को, है ना। इस सॉइल में लाइम नहीं है, मैग्नीशियम नहीं है और इवन नाइट्रोजन भी नहीं है, क्यों नहीं है बता दिया, क्योंकि हैवी रेनफॉल है और रेनफॉल में क्या हो रहा है, पानी मिनरल्स डिजोल्व हो जा रहे हैं, ये सॉइल मॉइस्चर रिटेन नहीं कर पाती है, क्योंकि मैंने कहा इस सॉइल बहुत कोर्स है, कोर्स मतलब बहुत मोटी मोटे सॉइल के पार्टिकल्स हैं, फाइन पार्टिकल नहीं है क्ले की तरह, क्ले के पार्टिकल्स बहुत चिकने पतले होते थे, इसके पार्टिकल्स मोटे होते हैं। ये सॉइल बिल्डिंग पर्पज के काम आती है, इसीलिए बिल्डिंग मटेरियल में आपने देखा होगा जरूर से लेटराइट सॉइल। क्या आपने लाल रंग की मोटी वाली सॉइल देखी है जो लोग मंगवाते हैं, उसको क्या बोलते हैं बिल्डिंग वाली सॉइल को,
जहां पे बिल्डिंग बन रही होती है, आप जरा बिल्डिंग वाली साइड में जरा देखिए, या आपके घर में अगर कभी बिल्डिंग बनी होगी, आपके मकान वगैरह ढलाई वलाई में काम आती है, ढलैया यू पीपल नो ना, छत की ढलाई में काम आती है लैटराइट सोइल। आइए, लैटराइट सोइल की फर्टिलिटी लो है, मैंने बता दिया, फर्टिलिटी लो है, हाई एसिडिक सॉइल है, रिच मॉइस्चर कम है इसके अंदर। हाँ, मैन्योर डाल दोगे तो काम करना शुरू कर देगा, मैन्योर कर दो, मिनरल्स डाल दो, फर्टिलाइजर डाल दो, सॉइल फर्टाइल हो जाएगी। क्या करना है आपको, मैन्योर डालना है, फर्टिलाइजर डालना है, अब ये क्रॉप्स ग्रो कर सकती है, रागी ग्रो कर सकती है, राइस ग्रो कर सकती है, शुगर केन, हाँ राइस जिसको हम पेडी भी कहते हैं, ठीक है ना, और क्या ग्रो कर सकती है, रबर और कॉफी भी ग्रो की जा सकती है। तो वैसे तो सॉइल बहुत अच्छी नहीं है, फर्टाइल सॉइल नहीं है, फर्टिलिटी क्यों चली गई आप समझ ही गए हैं, क्योंकि हैवी रेन्स की वजह से चली गई है। बट फर्टिलिटी जानने के बावजूद इस सॉइल में मैन्योर ऐड करने के बाद, मिनरल ऐड करने के बाद, ये सॉइल क्या होगी, ग्रोथ में काम आ जाएगी। नेक्स्ट सेटिंग आ रही है सॉइल इरोजन, इरोजन रिमूवल, रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल बाय द नेचुरल एजेंट सच एज विंड एंड रनिंग वाटर इज कॉल्ड एज इरोजन। सर ये तो बहुत बहुत कॉमन डेफिनेशन है और आपने कई बार पढ़ा होगा, जब क्या हो, सॉइल का कवर, सॉइल की टॉप लेयर विंड वाटर या इवन हमारी वजह से भी रिमूव हो जाए, तो हम लोग उसको कहते हैं क्या, सॉइल इरोजन। आइए इरोजन, इरोजन बाय वाटर समझते हैं। सबसे पहला आ रहा है शीट इरोजन, शीट इरोजन, शीट क्या होता है, एक थिन पेज की लेयर होती है ना, जैसे आप न्यूज पेज पढ़ते हो, कॉपीज न्यूज कॉपीज के पेजेस होते हैं, वो शीट होते हैं, तो ऊपर की अपर लेयर, ऊपर की अपर लेयर को शीट कहते हो। तो ज्यादातर जहां पे जेंटल स्लोप्स होती हैं, स्टीप स्लोप्स नहीं, जहां पे जेंटल स्लोप होती हैं, जेंटल स्लोप देखना चाहते हो, आओ दिखा देते हैं, ये है जेंटल स्लोप, स्लोप तो है पर बहुत जेंटल स्लोप है, तो जहां जेंटल स्लोप होती है वहां सॉइल के ऊपर की स्लो लेयर, थिन लेयर, सॉइल की थिन लेयर रिमूव हो जाती है अगर वहां पे वेजिटेशन नहीं है, वहां पे अगर पेड़ पौधे नहीं है, तो सॉइल की अपर मोस्ट थिन लेयर क्या होती है, शीट जैसी लेयर क्या होती है, रिमूव हो जाती है, हम इसे कहते हैं शीट इरोजन। ज्यादातर मैंने बताया रेन वाटर जब पड़ने लगता है और ऊपर सॉइल कवर नहीं है, समझ गए क्या रिमूव हो रही है, ऊपर की थिन लेयर रिमूव हो रही है। हाँ, अगर आप इमेज देखना चाहते हो तो मैं आपके लिए इमेज भी यहां सामने दिखा सकता हूं, ये रही इमेज, वो ओ ये रही इमेज, अब आप देख पा रहे हैं ऊपर की सरफेस कैसी हो गई है, यहां देखिए व्हाइटिश पन आ गया, तो शीट इरोजन। आइए शीट इरोजन के बाद अगला टाइप, नेक्स्ट टाइप इरोजन देखते हैं, रिल इरोजन, रिल मतलब फिंगर लाइक, क्या चीज, फिंगर लाइक, रिल मतलब अंगुलियां, फिंगर लाइक, तो जब क्या हो, जब इरोजन हो, ज्यादा इरोजन होने लगे, जब शीट इरोजन बढ़ जाएगा, लंबे समय तक होने लगेगा, तो एक क्या होगा, फिंगर लाइक रिल्स बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, फिंगर लाइक, फिंगर लाइक रिल्स बन जाएंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है ना, जिसमें सॉइल क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी, एक लार्ज एरिया से सॉइल रिमूव हो जाएगी, ऊपर की सरफेस नहीं, अब डेप्थ तक की, अब नीचे तक की सॉइल रिमूव हो जाएगी, इसीलिए नाम है रिल, रिल इरोजन, गॉट इट। ये एक शीट इरोजन के बाद का स्टेज है, शीट इरोजन अगर काफी समय तक चलता रहेगा, टॉप सॉइल जब धीरे धीरे रिमूव होती रहेगी होती रहेगी, तो कुछ समय बाद ये क्या बन जाएगी, रिल इरोजन में कन्वर्ट हो जाएगी, जब फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से क्या होगा, गली टाइप की बनने लगेगी धीरे धीरे। इसी के बाद का स्टेज आने वाला है, जो इससे भी बुरा स्टेज है, सबसे खराब स्टेज है मुझे लगता है, नाम है गली इरोजन, ये इससे और नेगेटिव स्टेज है। गली में क्या हो जाएगा, यही रिल्स, यही फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो दिख रहे हैं, जब और थिक हो जाएंगे और ब्रॉड हो जाएंगे, इस पूरी रीजन से क्या होगा, सॉइल गायब हो जाएगी, एक गली बना देगी, पूरा एक चैनल बना देगी। तो व्हेन रेनफॉल इज वेरी हैवी, डीप गलीज आर मेड ऑन द बेयर सॉइल। याद रखिएगा, सारी प्रॉब्लम एक ही वजह से हो रही है, क्योंकि वहां पर वेजिटेशन कवर नहीं है। काश वहां बहुत सारे प्लांट्स होते तो वो क्या करते, सॉइल को होल्ड कर रखते। तीनों में प्रॉब्लम एक ही है, शीट में भी यही था कि रेनफॉल पड़ रही है, वेजिटेशन नहीं है, रिल में भी यही है, रेनफॉल पड़ रही है और शीट इरोजन हो चुका है, गली में भी यही प्रॉब्लम है, रेनफॉल बहुत ज्यादा पड़ रही है और वेजिटेशन कवर एकदम नहीं है और रिल इरोजन ऑलरेडी हो चुका है, यही रिल इरोजन आगे जाके कन्वर्ट हो जाएगा, गली, डीप गली बना देगा। इमेज दिखाता हूं, अभी रुक जाइए, आपको देख के डराना लगेगा कि कितना डीप तक सॉइल क्या हो गई है, रिमूव हो गई, देखना चाहते हो ना, अभी दिखा रहा हूं। तो गली इरोजन सबसे खराब स्टेज है इरोजन का, क्योंकि हैवी लोड ऑफ द लूज सॉइल इज रिमूव, बहुत बड़ा इलाका रिमूव हो जाएगा, वो बहुत बड़ा इलाका। हाँ, चंबल में ऐसा हो चुका है, चंबल के रिवाइंस बन गए, जहां पे देखना चाहते हैं ना, अभी दिखाता हूं, आपको दंग हो जाएंगे आपको देख करके इसको, जरा इस इमेज को देखिए तो कितनी भयंकर इमेज है ये,
ये क्या दिख रहा है सर, इतना बड़ा बड़ा क्या दिख रहा है? पेड़ सूख गए, खत्म। ये देखिए पहाड़ी इलाका है, एक पहाड़ी इलाका है जहां स्लोपिंग लैंड है। ये देखिए, ये स्लोपिंग लैंड है, देखिए यहां पर ये स्लोपिंग लैंड है। ये कितना डीप तक चला गया, देखिए, जस्ट सी हाउ डीप। ये देखिए, ये कलर चेंज कर रहा हूं, आपको दिखा रहा हूं अभी। हाँ, ये कलर देखिए कितना डीप तक, देखिए सॉइल नहीं है। यू कैन जस्ट इमेजिन कितना डीप क्या हो गया, गली बन गई है, सॉइल खत्म, इरोजन। यहां पर कुछ नहीं उग सकता आप। इट विल टेक मेनी 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 ईयर्स टू रिकवर, अगर आप चाहते हैं इसको रिकवर करना। और एक ही तरह से पॉसिबल है जब आप अभी और इरोजन को क्या करें, रोकने के लिए गली को प्लग कर दीजिए। क्या कर दीजिए? इन गलीज को प्लग कर दीजिए, बंद कर दीजिए। एक बैड लैंड बन चुकी है ये, बैड लैंड मतलब बर्बाद जमीन बन चुकी है। इन एरियाज में क्या करना है, सॉइल को पीट करके वापस क्या करना है, लेवल करना है और पानी बहने से रोकना है, तेज फ्लो ऑफ पानी को रोक देना है और वेजिटेशन लगाना है, तभी रुकेगी, वरना नहीं रुकेगी, वरना एरिया खत्म हो जाएगी। हार लीचिंग पड़ चुके हैं हम लोग, लीचिंग जहां पर हैवी रेनफॉल पड़ती है और वहां पर रेनफॉल और वेट मतलब हॉट और वेट का स्पेल आता रहता है, याद है ना लीचिंग। नेक्स्ट आता है शोर इरोजन, ये वहां होगा जहां समुद्र का किनारा होगा, जहां टाइड्स होती होंगी, हाई टाइड्स में आप जानते ही हैं तेज पानी, लैशिंग वाटर क्या होता है, नियर द कोस्ट आ जाता है और साथ में अपने साथ बहुत सारी चीज बहा के ले जाता है, आप इसको कहते हैं शोर इरोजन। नेक्स्ट आता है स्ट्रीम बैंक, स्ट्रीम मतलब नदियों के किनारे। हाँ, नदियों में भी तो आप देख रहे हैं फ्लडिंग के दौरान क्या हो रहा होता है, इरोजन हो रहा होता है। तो जब नदियां क्या होती हैं, बैंक्स को कट करने लगती हैं, जब उनके पास हैवी सिल्ट्स होता है या कभी कभी क्या होता है हैवी रेन्स पड़ जाती हैं अचानक, जैसे आजकल बारिश का दिन है, हैवी रेन्स आ जा रही हैं, रिवर्स में फ्लड्स आ जा रहे हैं, फ्लैश फ्लड्स मतलब होता है सडन फ्लड्स, और उसकी वजह से भी क्या हो रहा है, बहुत सारा इरोजन हो रहा है। नेक्स्ट, इरोजन का रीजन हम भी हैं। हाँ, हम और आप, मैं और आप सबसे बड़े अपराधी हैं, वी एंड आई एंड यू, क्योंकि हमने क्या कर दिया है, आखिर वेजिटेशन को कौन रिमूव कर रहा है, आखिर जंगलों को कौन काट रहा है, मैं और आप ही तो काट रहे हैं। सबसे बड़ा दुश्मन मैंने कहा ना, मैं और आप हैं। शुरुआत शीट इरोजन से होती है, शुरुआत शीट इरोजन से होती है जो आगे जाके रिल बन जाती है, रिल आगे जाके गली बन जाती है और तबाही मच जाती है, और सबसे ज्यादा तबाही गली में आती है। तो ये हमारी वजह से, क्योंकि हमने वेजिटेशन हटाया है। और क्या प्रॉब्लम है, जो लोकल पॉपुलेशन है आजकल वो शिफ्टिंग कल्टिवेशन कर रही है, स्पेशली वो लोग जो पहाड़ों में रह रहे हैं, वहां पे कल्टीवेशन शिफ्टिंग में क्या होता है, एक पैच ऑफ दी फॉरेस्ट को कट कर देते हैं, दूसरे पैच में चले जाते हैं, फिर उसके बाद उसको लीव करके हो गया नुकसान, बर्बादी हो गई। और प्रॉब्लम कहां पे हो रही है, मैंने कहा और प्रॉब्लम हो रही है अनकंट्रोल्ड ग्रेजिंग जी। ये तीनों कारण हमारी वजह से है, हमने अपने पास जो डोमेस्टिक एनिमल्स पास रखे हैं उनको ग्रेजिंग करने नहीं दे रहे हैं, अनकंट्रोल्ड ग्रेजिंग करने दे रहे हैं। तो ग्रेजिंग इज ओके, अनकंट्रोल्ड ग्रेजिंग इज नॉट ओके। नेक्स्ट, विंड इरोजन। ओ विंड, बाप रे, विंड के अंदर कुछ खास बात है, मुझे बताना पड़ेगा आपको। विंड सबको पार्टिकल को नहीं ले जा सकती है। विंड क्या करती है, जब विंड बहती है तो सॉइल के पार्टिकल्स को कैरी कर जाती है। सॉइल के पार्टिकल्स अगर बहुत छोटे होंगे, सॉइल के पार्टिकल्स अगर 0.1 से लेकर 0.1 मिलीमीटर से लेकर के 0.5 मिलीमीटर तक होंगे, और इस सॉइल पार्टिकल्स को वो उठा के नहीं ले जाती है, बाउंसिंग एंड हॉपिंग करके ले जाती है, उछाल उछाल के जाती है, ऐसे करके पार्टिकल्स उछलते हैं विंड में, उछल के चले जाते हैं, ठीक है। हम इस प्रोसेस को कहते हैं सेल्टेशन। क्या नाम है इसका, नाम है सेल्टेशन। जब सॉइल पार्टिकल्स को वो बाउंस करा देते हैं, पार्टिकल्स थोड़े बड़े होते हैं, सॉरी थोड़े छोटे होते हैं, कितनी साइज के हैं, सॉइल साइज अगर 0.1 से लेके 0.5 मिलीमीटर तक होता है तो वो पार्टिकल्स ऐसे उछलते उछलते जाते हैं, बाउंस करते हुए जाते हैं। इस प्रोसेस का नाम रखा गया है सॉल्टेशन। हाँ, सॉल्ट उससे नाम बनाया गया। और अगर सॉइल पार्टिकल्स इससे बड़े होते हैं, मतलब इफ द सॉइल पार्टिकल इज ग्रेटर देन 0.5 मिलीमीटर, तो वो सॉइल पार्टिकल्स रेंग सकते हैं। क्या कर सकते हैं, रेंगना, यू नो रेंगना ना, तो उसे कहते हैं क्रीप, सॉइल क्रीप। पर दोनों ही में क्या हो रहा है, आपकी विंड क्या कर रही है, इरोजन कर रही है। हमारे देश में इरोजन का कॉज क्या है, सबसे बड़ा कॉज हम खुद हैं, मैंने पहले ही बता दिया, वी एज ह्यूमन बींग्स आर द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ सॉइल इरोजन। हम कर रहे हैं, हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, हम जंगल काटते जा रहे हैं, क्योंकि हमें नए शहर चाहिए, नई बस्तियां चाहिए, नई कॉलोनियां चाहिए, नई एग्रीकल्चर लैंड चाहिए। क्यों भाई, क्योंकि मैंने कहा पॉपुलेशन बढ़ रही है तो जंगल तो कटेंगे ही कटेंगे। और क्या रीजन है, रेनफॉल। हमारे देश में रेनफॉल्स कैसी है, रेनफॉल हमारे यहाँ जो मेजर हिस्सा है रेनफॉल का वो मानसून में ही पड़ जाता है, जो कि 2 से 3 महीने का सीजन आता है। 2 से 3 महीने में साल भर की बारिश पड़ जाती है, तो जब इतनी बारिश पड़ेगी तो क्या होगा,
फ्लड्स आएंगे ही आएंगे, नदियां पानी भरेगा ही भरेगा, तो नदियों में जब बहुत ज्यादा एक्सेस वाटर होगा तो क्या करेगा, फ्लैश फ्लड्स कॉज करेगा। तो ये भी रीजन है, एक रीजन बताया पॉपुलेशन, दूसरा रीजन बताया रेनफॉल, तीसरा रीजन बता दे रहा हूं अगेन ओवर ग्रेजिंग। मैंने कहा सॉइल कवर रिमूव हो जाता है, जो क्रॉप्स जो सॉइल में लगे होते हैं स्पेशली जो ग्रास लगी होती है वो सॉइल की फर्टिलिटी बचाती है, कभी सोचा था आपने? हाँ, सॉइल कवर में ग्रास बहुत अच्छा माना जाता है, दोब ग्रास जो उगती है ना, पर आपके जो कैटल्स होते हैं बहुत सारे शीप वो क्या करते हैं, उस सॉइल से ग्रास को रूट सहित निकाल देते हैं, ध्यान सुनिएगा, ग्रास को रूट सहित निकाल देते हैं जब वो निबलिंग करते हैं खाते हैं, नतीजा क्या होता है सॉइल कवर चला जाता है। तो अब जब बारिश पड़ेगी तेज या आप तेज हवाएं आएंगी तो क्या हो जाएगा, सॉइल इरोजन हो जाएगा। नेक्स्ट आता है बैड लैंड टेक सॉरी बैड फार्मिंग टेक्निक। हमारे यहाँ फार्मर्स के पास लैंड होल्डिंग है छोटी, लैंड होल्डिंग है छोटी, और वो लोग क्या कर रहे हैं, फार्मिंग के सही टेक्निक का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, फार्मिंग की टेक्निक उनको नहीं आती है, और कुछ ऐसा लैंड सरफेस है, टोपोग्राफी ही ऐसी है, कुछ ऐसा लैंड रीजन ऐसा है कि आप उसमें आप इरोजन रोक नहीं पाएंगे, जैसे कि खास करके टेरेस एरिया, माउंटेनियस एरिया, तो जहां पर क्या हो ये नॉर्दर्न एरिया या शिवालिक या हिली रीजन से, यहां पे बारिश जहां ज्यादा पड़ती है वहां पे कुछ कंट्रोल कम है हमारा, मतलब ये कह सकते हैं ये ह्यूमन का कॉज नहीं है टोपोग्राफी, ये नेचर है। और या तो मैंने कहा ये अगेन हम लोग आ गए, अगेन हमारे पर इल्जाम लगने वाला है, डिफॉरेस्टेशन, जंगल का कटना। नेक्स्ट रीजन्स ऑफ सॉइल इरोजन, कहां कहां सॉइल इरोजन बहुत ज्यादा है। देखिएगा हमारे देश में सॉइल इरोजन इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि वी आर वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री, आपको मालूम ही है कि हमारी पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही है, और अगेन हम मैंने कहा हम ज़्यादा ज़्यादा लैंड चाहिए हमें फूड ग्रेन्स ग्रो करने के लिए, जंगल कट रहे हैं क्योंकि हमें सोसाइटीज़ बसानी है, बस्ती बसानी है, कॉलोनीज़ बसानी है, तो इसीलिए आइए कहाँ कहाँ है सॉइल इरोजन आइए चेक करते हैं। तो हमने कहा सॉइल इरोजन हमारे यहाँ चंबल एरियाज में है, बेडलैंड, ये प्लेसेस का नाम याद करना पड़ेगा, यू कैन बी आस्क फॉर सम एग्जांपल्स, सारे एग्जांपल्स मत करिए, दो तीन एग्जांपल कर लीजिए, बेडलैंड ऑफ चंबल एंड यमुना नदी है, पिडमोंट जोन ऑफ वेस्टर्न हिमालयाज है, छोटा नागपुर रीजन है, या ताप्ती साबरमती वैली रिवर एरिया है, या ड्राई एरियाज ऑफ राजस्थान, राजस्थान तो आप जानते ही हैं, राजस्थान स्पेशली वेस्टर्न राजस्थान इज एब्सोल्युटली ड्राई, वहाँ डेजर्ट रीजन है, थार डेजर्ट है। आइए इरोजन तो आप समझ गए क्या होता है, इरोजन को बचाएं कैसे, ये तो देखा ही होगा आपने, जरूर देखा होगा, क्या बना दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है टेरेस, सीढ़ी बना दी हम लोग ने, क्या बना दिया है सीढ़ी, कहाँ बनाते हैं टेरेस फार्मिंग, पहाड़ों में, क्योंकि पहाड़ों में जहाँ पर बहुत तेज रेनफॉल पड़ रही है तो सारा सॉइल ऊपर से बहता हुआ नीचे चला जाएगा, इफ देर इज हैवी रेनफॉल एट दिस रीजन, यहाँ होगा पहाड़ों में हैवी रेनफॉल होगी तो सारा सॉइल बह करके निकल जाएगा, तो आपको रोकना है कि नहीं, तो आपको टेरेस बनाना पड़ेगा। टेरेस के लिए क्या करेंगे आप, पहाड़ों पे क्या करेंगे, सीढ़ियां बना देंगे, ठीक है, इससे क्या फायदा मिलेगा सर, इरोजन तो अभी भी होगा, नहीं इरोजन स्लो हो जाएगा, जब रेनफॉल पड़ेगी इस पे, रेनफॉल पड़ेगी तो पहले रेनफॉल यहां पर क्या करेगी, सॉइल के बंड की वजह से रुक जाएगी, सॉइल की एक मेड़ लगा देंगे तो यहां रुक जाएगी, धीरे धीरे गिरेगा भी तो धीरे धीरे करेगा, इट विल टेक मेनी मेनी टाइम टू रीच डाउन। तो टेरेस क्या करता है, बंड का काम करता है, बंड मतलब होता है एम्बैंकमेंट का काम करता है, सो इट प्रिवेंट्स द फ्लो ऑफ वाटर, समझ गया ना। दूसरा बता रहे हैं शेल्टर बेल्ट्स। शेल्टर बेल्ट्स क्या होता है, अगर आपके खेतों के चारों तरफ बहुत हवा चल रही है, हाँ विंड इरोजन को रोकने का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है शेल्टर बेल्ट, विंड इरोजन को रोकने का, यह मेरा खेत है और मुझे लगता है कि यहां पर बहुत विंड ब्लो करती है, तेज हवाएं चलती हैं, तो क्या करो यहां बड़े बड़े पेड़ लगा दो, कहां पर, खेतों के बॉर्डर्स पे, खेतों की बाउंड्री पे, तो फार्मर्स क्या कर रहे हैं, प्लांट कर रहे हैं ट्रीज, कहां पर, रोज में प्लांट कर रहे हैं बाउंड्री से, बीच में खेती कर रहे हैं, यहां पे खेती करेंगे, पर कोने में जहां से हवा का तेज आ रहा है वो हवा को रोकने के लिए क्या करते हैं, बड़े बड़े पेड़ लगा दिए, समझ गया ना, पीपल का पेड़, आम का पेड़, बबूल का पेड़, बड़े बड़े पेड़ लगाओ, क्रॉप्स यहां लगाना, राइस यहां लगाना, ठीक है अंदर, तो इससे क्या होगा, ये विंड ब्रेक का काम करेंगे, विंड को आने से रोक देंगे ये शेल्टर बेल्ट्स। और क्या कर सकते हैं, कंटूर प्लोइंग कर सकते हैं, कंटूर अगेन क्या होता है, जहां पे लैंड अप एंड डाउन है, जहां पर लैंड क्या है अप एंड डाउन इस टाइप की है, तो उन जगहों पे भी कंटूर प्लोइंग कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कंटूर प्लोइंग, इस एरिया को फिल कर दो, क्या कर दो, इस एरिया को फिल कर दो ताकि लेवल लैंड बन जाए, कैसे करेंगे फिल,
इसके ऊपर वाले सरफेस को कट कर देंगे, यहां से कट कर देंगे और यहां डिप कर देंगे, यहां से ऊपर वाले कट को यहां डिप कर देंगे, इससे क्या हो जाएगा, लेवल लैंड हो जाएगी। क्या करना है, एक तरह से क्या करना है, जो अनइवन ग्राउंड है उसे क्या करना है, कॉन्टूर बना देना है, ठीक है, स्मॉल स्टेप लाइक स्ट्रक्चर बना देना है फील्ड में। और क्या कर सकते हैं, और क्या तरीका है, मेथड क्या है, सोयल इरोजन को रोकने का, स्ट्रिप क्रॉपिंग, अर्थात क्रॉप्स को लगाना स्ट्रिप्स में लगाना। कैसे, एक रीजन में आपने क्रॉप लगाया फॉर एग्जांपल मेज, दूसरे रीजन में लगा दिया आपने पल्सेस, फिर लगाया आपने मेज, फिर लगाया पल्सेस, इससे क्या फायदा मिलेगा, ताकि सॉइल के अलग अलग न्यूट्रिएंट्स को सॉइल एब्जॉर्ब करेगा और एक समय में आपकी सॉइल की फर्टिलिटी क्या हो जाएगी, सारी रिमूव नहीं होगी। और अलग अलग क्रॉप लगाने से क्या हो जाएगा, विंड का इंपैक्ट भी कम पड़ेगा, कोई सॉइल क्रॉप्स बड़े होते हैं, कोई सॉइल के क्रॉप्स छोटे भी होते हैं। स्ट्रिप क्रॉपिंग, डैम्स बना दो, अगर आपको लगता है कि नदियों के आसपास बहुत बाढ़ आने की चांसेस है, अगर रिवर के फ्लड का डर है तो रिवर के फ्लडिंग को रोकने के लिए डैम्स बना दीजिए। और जहां पे मैंने कहा गलीज बन चुकी है, डीप गलीज बन चुकी है, जैसे मैंने कहा चंबल का एग्जांपल दिया था, है ना, तो वहां पर क्या करिए, गलीज को प्लग करा दीजिए, गलीज को बंद करवा दीजिए, ठीक है ना, गलीज को सॉइल से भर के बंद करा दीजिए और वहां पे वेजिटेशन कवर लगा दीजिए। और सबसे बेस्ट अच्छा तरीका है क्या करो, प्लांटिंग ट्रीज, सबसे बेस्ट इलाज है सॉइल इरोजन को रोकने का, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, वन महोत्सव। नेक्स्ट, सॉइल कंजर्वेशन, हाँ, सॉइल को इरोजन से बचाने के स्टेप का नाम रखा गया है सॉइल कंजर्वेशन, प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन इज कॉल्ड एज सॉइल कंजर्वेशन। कैसे करेंगे प्रिवेंशन, आओ इसके बारे में बताने वाले हैं। अच्छा, वैसे क्यों करेंगे प्रिवेंशन, तो मैंने बता दिया कि सॉइल इरोजन अगर होता रहेगा तो एक समय आएगा अब सॉइल बचेगी नहीं और आप और मैं क्या करेंगे, क्रॉप के बिना कैसे जिएंगे, खाएंगे क्या, गॉट इट, तो इसीलिए बहुत जरूरी है सॉइल का इरोजन होना, सॉइल का इरोजन रोकना, सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करना क्यों नीड है, क्योंकि मैंने बताया अगर सॉइल चले गई, टॉप सॉइल चले गई, जो कि सबसे ऊपर की लेयर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, अगर वही चले गई तो जो सब सॉइल होती है वो इतनी फर्टाइल नहीं होती, उसमें ग्रोथ नहीं होती है। नेक्स्ट है पानी का लेयर ऊपर का, यस, जो हम कहते हैं वाटर टेबल, वो भी अंडरग्राउंड होता चला जा रहा है और नीचे चला जा रहा है, नतीजा क्या हो जाएगा, सॉइल से मॉइस्चर कंटेंट कम हो जाएगा और प्रॉब्लम क्या है, वेजिटेशन ज़्यादा समय तक ग्रो नहीं कर पाएंगे लैक ऑफ वाटर या लैक ऑफ वाटर की वजह से, ज़्यादातर चांसेस है कि वहाँ पर क्या आने लगेगा, या तो ड्रॉट आने लगेगा उस एरिया में या फ्लड आने लगेगा, कहाँ पर, जहाँ पे जंगल नहीं होंगे, जहाँ पे पेड़ पौधे नहीं होंगे, ठीक है। और लास्ट पॉइंट प्रॉब्लम क्या है, सिल्टिंग ऑफ रिवर बढ़ जाएगी, रिवर के अंदर मौजूद जो एक्सेस ऑफ सेडिमेंट्स हैं, सैंड्स हैं, वो क्या होंगे, सॉइल में कन्वर्ट नहीं होगी, नतीजा हो जाएगा सिल्टिंग होने जाएगी, समझ गया ना। अब आता है सॉइल कंजर्वेशन के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स उठाए हैं, सरकार ने फर्स्ट फाइव ईयर प्लान से ही, जब हमारा फर्स्ट फाइव ईयर प्लान आने लगा तब से ही सरकार ने क्या किया, इस बात पे ध्यान देना शुरू किया, और सरकार ने शुरू किए सबसे पहला सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंटीग्रेटेड वाटर शेड मैनेजमेंट IWM नाम का सिस्टम शुरू किया, जहां पे कैचमेंट एरिया है, जहां पे रिवर्स में ज्यादा बाढ़ आने के एरिया है, उन एरियाज को रोका गया, वहां पर पानी को एक्सेस ऑफ सॉइल ले जाने को रोकने के लिए सरकार ने स्टेप्स उठाए, इरोजन रोका और सिल्टिंग को चेक किया। और क्या किया, सेकंड स्टेप क्या किया, रिक्लेमेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ रेवाइन एरियाज, जहां पर ऑलरेडी रेवाइन बन चुके हैं, रेवाइन मतलब होता है डीप वैलीज बन चुकी हैं, उसको सरकार रिक्लेम कर रही है, एक नए प्रोजेक्ट ला रही है जहां पर क्या हो, वहां गलीज को प्लग करके नया वेजिटेशन कवर लगाया जा रहा है। और क्या कर रहे हैं, कंट्रोल ऑन शिफ्टिंग कल्टीवेशन तो ऑलरेडी बैन है, अब पहाड़ों पे जो आदिवासीज या जो ट्राइबल्स लोग रहते हैं, वो जो जंगल काट देते थे और उसको बंद कर देते थे, फिर नेक्स्ट पोर्शन में चले जाते थे, इस सिस्टम को बंद कर दिया गया है। नेक्स्ट है, गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया, नाम है नेशनल प्रोजेक्ट ऑन डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ बायो फर्टिलाइजर, अब क्रॉप्स को बायो फर्टिलाइजर्स के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है, इवन फॉरेस्ट क्रॉप्स को, बायोडीजल नाम सुना होगा आपने, एंड नेशनल प्रोजेक्ट ऑन क्वालिटी कंट्रोल, ये सब गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, किनके लिए, सॉइल के लिए। और अर्बन एरियाज में इन रिवर्स रेन वाटर हार्वेस्टिंग, अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे ध्यान दे रही है, जिससे क्या हो रहा है, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज किया जा रहा है, छाता सीधा नहीं है, छाता उल्टा कर दे रहे हैं, ठीक है, छाता ऐसे नहीं रखना है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग इसको नहीं कहता है, दिस इज सीधा छाता, बारिश पड़ती है बह जाती है इधर ना, अब हमको छाते ऐसे करने हैं, गॉट इट, सारा पानी इस पे इकट्ठा करना है, गॉट इट।
तो कलेक्टिंग द वाटर दैट इज अवेलेबल फ्रॉम द रेन, रिचार्ज पिट में डालो, डीप पिट में डालो, अर्थ में ले जाओ, दैट इज कॉल्ड एज रेन वाटर हार्वेस्टिंग. आइए मैप से दिखा देते हैं एक बार कहाँ कहाँ क्या क्या सॉइल्स पाई जा रही हैं. कुछ कॉमन एरियाज से आपको ईजी हो जाएगा समझना. आपको फोकस पहली चार सॉइल पे ही करना है. ओ सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, ये रीजन है अलूवियल सॉइल का. अलूवियल सॉइल पहचानना सबसे आसान है क्योंकि ये रीजन है, ये रीजन है आपका यमुना का, गंगा का, और यहाँ पे इंडस का. देख रहे हैं अलूवियल सॉइल, ये तीनों मेन रिवर है, रिवर गंगा यमुना, यहाँ पे यमुना है, इंडस नहीं है इंडिया में, और तीसरा ब्रह्मपुत्र. ठीक है ना, इस रीजन में. ये देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये ब्लैक सॉइल. हाँ ब्लैक सॉइल कहाँ पर है, ये गुजरात में, महाराष्ट्र में. नेक्स्ट रेड कलर की रेड सॉइल देख लीजिए, रेड सॉइल बहुत ज़्यादा पाई जाती है हमारे देश में, रेड कलर की दिख भी रही है रेड सॉइल. अब ये मत कहना सर ब्लू सॉइल है तो ब्लू सॉइल भी होगी, नहीं नहीं ब्लू सॉइल नहीं है, वो लेटराइट सॉइल है. ठीक है, जो ब्लू कलर दिख रहा है ये एक्चुअली हैवी रेनफॉल वाला इलाका है. यहाँ पर बहुत डेंस रेनफॉल पड़ती है, मोर देन 200 सेंटीमीटर रेनफॉल पड़ती है. वेस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट है, यहाँ पे पाई जाती है लेटराइट सॉइल. हाँ लेटराइट सॉइल जो लीचिंग से बनती है. तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, सारा चैप्टर सॉइल रिसोर्सेज एक बार में वन शॉट में फिनिश कर दिया. एंड थैंक यू एंड लव यू क्योंकि यू पीपल हैव एनकरेज मी. क्या आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट यस आपको एक सिलेबस बनाऊं आपके लिए, अभी 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 करंट में हाँ बताना है. अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए पूरा पूरा क्या करूं, एक टाइम टेबल, स्ट्रक्चर्ड टाइम टेबल बना के आपके साथ शेयर करूं, तो यस कर दीजिएगा. आप यस नहीं करेंगे तो मैं आपको स्ट्रक्चर्ड टाइम टेबल नहीं दूंगा. ठीक है, मुझे वेट रहेगा. आप चाहते हैं कि इफ आई वॉन्ट टू प्रिपेयर अ स्ट्रक्चर्ड टाइम टेबल ऑफ टेलिंग यू हाउ वॉट वेन वी आर गोइंग टू एजुकेट, हाउ वॉट वेन लेसन्स वी आर गोइंग टू टीच यू, तो मुझे कमेंट बॉक्स में यस करके लिख दीजिएगा. और कैसा लगा ये लेसन मुझे जरूर बताइएगा. और मुझे हमेशा इंतजार होगा मेरे सुपरस्टार्स का, अपने क्लास के सारे बॉयज फ्रेंड गर्ल्स सबको बुला लो. लेट्स टुगेदर हैव अ लाइव सेशंस एवरी डे. थैंक यू एंड लव यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल फ्रॉम.